दोस्तों, आज हम जनसंख्या वृद्धि को रोकने का पांच उपाय जानेंगे। पहला है प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथोड। दूसरा है हार्मोनल विधि। और तीसरा है यांत्रिक या रोध विधियां, जिसको बैरियर मेथोड भी कहते हैं। चौथा है रासायनिक विधियां। और पांचवा है सर्जिकल विधियां। ठीक है, तो दोस्तों प्राकृतिक विधि क्या होती है, इनको हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों प्राकृतिक विधि में संभोग करते वक्त शुक्राणु या वीर्य को बाहर निकलने से पहले सीसन को बाहर निकाल लिया जाता है फीमेल के योनि से। ठीक है, दूसरा हार्मोनल विधि है। हार्मोनल विधि में क्या होती है, तो हार्मोन से बनी हुई गोलियां जैसे सहेली मालाडी खाने से मासिक चक्र बाधित हो जाती है और निषेचन नहीं होता है, निषेचन को रोक दिया जाता है। दोस्तों तीसरा है यांत्रिक या रोध विधियां, इसमें शुक्राणु अंडाणु को मिलने से रोका जाता है, जिसके लिए पुरुष कोंडम, महिला कोंडम तथा डायफ्राम कॉपटी, कई तरह के रोध बैरियर लगाया जाता है जनन अंगों में, फीमेल्स के जनन अंगों में और पुरुष के जनन अंगों में भी ये बैरियर्स लगाया जाता है। जैसे और रासायनिक विधियां आप देखेंगे दोस्तों, चौथा है रासायनिक विधियां, केमिकल्स मेथोड। इसमें रासायनिक क्रीम लगाकर प्राणु को मादा योनि में ही मार दिया जाता है, फीमेल्स के इंटरनल बॉडी वेजाइना में शुक्राणु को मार दिया जाता है क्रीम लगा करके। पांचवा दोस्तों सर्जिकल विधियां, सर्जिकल मेथोड बोलते हैं इनको। इसमें तो पुरुष और महिला का ऑपरेशन द्वारा नसबंदी ही कर दिया जाता है। तो पुरुष नसबंदी को हम लोग बोलते हैं वेस्कोटोमी और महिला नसबंदी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो दोस्तों कैसा लगा ये जानकारी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।